हापुड़ के पिलखुआ में रहने वाले शिवांगी गोयल ने यूपीएससी की परीक्षा में 177वां भी रैंक हासिल करके अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। परिणाम आने के बाद से ही लोग लगातार शिवांगी के घर बधाई देने आ रहे हैं। शिवांगी अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता और अपनी 7 वर्षीय बेटी रैना अग्रवाल को देती है। जी हाँ, बहुत से लोगों का यह जानकर हैरानी होगी कि शिवांगी एक माँ है और अपनी बेटी की देखभाल करते हुए उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। शिवांगी गोयल के पिता राजेश गोयल एक व्यापारी है और उनकी माँ हाउसवाइफ है। शिवांगी ने बताया कि वह पढ़ाई में अच्छी थी। उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें यूपीएससी की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। स्कूल के बाद उनका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो गया था। पढ़ाई के बाद उन्होंने 2 बार आईएएस का एग्जाम दिया पर सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद उनकी शादी हो गई और यहाँ से उनकी ज़िंदगी एकदम बदल गई। शादी के बाद शिवांगी ने एक खुशहाल जिंदगी सपने देखे थे और उनका जीवन मानो नर्क हो गया था। शिवांगी ने बताया कि उनके ससुराल वाले लालची निकले। शादी के कुछ दिन बाद से ही उनके साथ दहेज के लिए कहा सुनी होने लगी। दहेज के लिए उनके साथ घरेलू हिंसा भी होने लगी और इसके बाद शिवांगी ने माता पिता उन्हें वापस अपने साथ ले आए। उनकी बेटी भी उनके पास है। शिवांगी ने अपने बेटी के लिए खुद को संभाला। साल 2019 में उनके पापा ने उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब शिवांगी ने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके अब वह अपने तीसरे प्रयास सफल हुई। उनकी 177वां भी रैंक है। बेटी बनी आगे बढ़ने की ताकत। शिवांगी की उनकी बेटी ने पूरा साथ दिया। उन्होंने सेल्फ स्टडी की और उनका विषय समाज शास्त्र रहा। अपनी सफलता का श्रेय वह अपने माता पिता और विशेषकर अपनी बेटी देती है जिन्होंने मुझे आईएएस बनने में पूरा सहयोग दिया। मैं समाज में महिलाओं को एक प्रेरणा देना चाहती हूँ कि यदि उनके साथ ससुराल में कुछ गलत हो रहा है तो वे इसका विरोध करें। महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। वह चाहे तो पढ़ लिखकर आईएएस अधिकारी बन सकती हैं और आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरा भविष्य फिर से सुनहरा हो गया है। एक 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 सोशल मैसेज की तरह भी एक अपने लिए एक पोजीशन बनानी है, एक अपनी सोसाइटी के लिए कि जो मेरी जैसी कोई भी लड़की कहीं भी अगर परेशान है तो मैं उसके लिए अगर एग्जांपल सेट कर पाऊं कि नहीं, दिस इज नॉट द एंड, प्लीज डू नॉट स्टे इन सच टॉक्सिक रिलेशंस, तो प्लीज आप बाहर आइए। तो मैंने तभी ठानी एंड आई स्टार्टेड अगेन इन 2019 एंड देन उसमें मेरे को ऑफकोर्स पैटर्न बहुत बदल गया था। यूपीएससी है चेंज कम्प्लीटली, तो देन मेरे को नए पैटर्न को समझने में, उसको एनालाइज करने में टाइम लगा, बट देन आई डिड इट एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट मेरे चाइल्ड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड विद गॉड्स ब्लेसिंग आज मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं अपने मम्मी पापा को खुश कर पाई। यहाँ पे भी गर्ल्स ऐसे परेशान है ना, प्लीज दिस इज नॉट द एंड, एंड स्पेशली अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ अपने उनके पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि कहीं आपकी अगर गर्ल्स हैं एंड दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन डिफिकल्ट मैरिजेस जहाँ पे उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट, उनकी लाइफ के अगेंस्ट कुछ गलत हो रहा है, तो प्लीज टेक अ स्टेप जो मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए लिया।